Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक generalized reading लेकर आई हूँ जो कि October 2022 के लिए है. आज की reading Cancer यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक generalized reading है, हो सकता है ये reading आपके साथ completely resonate हो सकता है ये reading आपके साथ partially resonate हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो. सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. मेरा एक नया चैनल है सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. उस चैनल की एक खासियत है अगर आप अपना कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करते हैं तो मैं रैंडमली एक क्वेश्चन पिक करके वीडियो में एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ. हर वीडियो में एक सवाल का जवाब देती हूँ मैं. सो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन का जॉडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा. सो आइए देखते हैं अक्टूबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आया है. जनरल एनर्जीज इस महीने में आपके लिए क्या रहने वाली है. कैंसर पीपल, लेट्स सी जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या होंगी. कैंसर पीपल आइए देखते हैं. सो पहला कार्ड यहाँ पर सेवन ऑफ अर्थ का कार्ड है. लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया, दैट इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है. आइए देखते हैं जनरल एनर्जीज आप लोगों के लिए किस तरह की होंगी. ओके, अपने आप कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, इसका मतलब एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली है. थ्री ऑफ वाटर का कार्ड है, सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर रिलीज का कार्ड है, यहाँ पर फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है, यहाँ पर फाइव ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ एयर का कार्ड है यहां पर. सो कैंसर पीपल इस मंथ में बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं. इस मंथ में आप चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, अपनी चीजों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, बट एट लास्ट आपको बहुत सारी चीजों को लेकर एडजस्टमेंट्स करनी होंगी. मतलब जिस तरह का आप चेंज चाहते हैं उस तरह का चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो कंप्लीट चार्ज तो आपके हाथ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट फिर भी बहुत हद तक आप अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर आ पाएंगे. इस महीने में आपका लड़ाई झगड़ा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है. उसका रीजन ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ मैच नहीं करने वाला है. आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करेंगे, अपने आसपास के हर एक स्फीयर में बात कर लेते हैं. लाइक आप अपने करियर के टर्म्स में अगर जहां जॉब कर रहे हैं वहां लोगों को कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो वो पर्सन आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और उसकी वजह से आप अपनी एनर्जी को दूसरों के ऊपर इम्पोज करने वाले हैं, उससे लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है. आप बहुत अनॉयड फील करेंगे कि लोग बात ही नहीं समझ पा रहे हैं. आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस महीने में. इस महीने में जितनी आप मेहनत करेंगे उस तरह का फल आपको नहीं मिलने वाला है.
आपकी मेहनत ज्यादा होगी, आपका आउटकम कम होगा, इसलिए इस महीने में थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और आपको असेस करने की जरूरत है कि कहाँ पर किस चीज की कमी पड़ रही है, कहाँ पर क्या चीज आप लैक कर रहे हैं, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। इस महीने में आप काफी इमोशनल रहेंगे अंदर से, लेकिन आप किसी के सामने वो बातें व्यक्त नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप अपने इमोशंस को किसी के सामने रखते हैं इमोशनली, जो भी आप किसी भी फील्ड के लिए महसूस कर रहे हैं, तो लोग शायद उस चीज का मजाक उड़ाएंगे। बाहर से आप बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे, लेकिन आप दूसरों के लिए काम करते रहेंगे। आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने वाले हैं इस महीने में। इस महीने में थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी जिंदगी के अंदर हावी रहने वाली है, ठीक है, और ये कोई बाहर की थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। एंड एक चीज और है, सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है इसमें, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि इस महीने में आपको सेलिब्रेशन की एनर्जी विटनेस करने का मौका मिलेगा। आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं, घर में किसी की मैरिज हो सकती है, वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो सोशल सर्कल है वो इस महीने में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी पुरानी फ्रेंडशिप्स रिवाइव हो सकती हैं, इस तरीके की एनर्जी, आप फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस महीने में आप ये बात महसूस कर पाएंगे कि आपके फाइनेंसेस बैलेंस होने वाले हैं, बैलेंस की तरफ चलने वाले हैं आपके फाइनेंसेस, आपको फाइनेंशियल उस तरह के क्राइसिस नहीं आएंगे, ठीक है। अगर जेनरोसिटी से काम करेंगे उतना आउटकम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बैलेंस रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है। इस महीने कोई साइकिल आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रही है। आपने जहां पर अपने आप को लिमिट किया हुआ था, आप उन लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को रोकना नहीं है, जो आप रिलीज कर सकते हैं उन चीजों को आपको रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। यहां पर फोर ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस महीने में आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक ये एनर्जी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी रहेगी तब तक तो बहुत अच्छा है, अगर यही एनर्जी सेल्फिश एनर्जी इसके अंदर टर्न हो गई तो वो चीज अच्छी नहीं है, वो एक नेगेटिव एनर्जी में काउंट होती है, ठीक है। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। कैंसर पीपल, अब हम देखते हैं इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है, आपकी लव लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं, आइए देखते हैं। कैंसर पीपल, इस महीने में आपकी लव लाइफ किस तरह की होगी, आपकी लव लाइफ के अंदर आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं, आइए देखते हैं। कैंसर पीपल, तो यहां पर द एम्परर का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, ओके, और क्या एनर्जी है, एस ऑफ फायर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, टेन ऑफ वाटर का कार्ड है, फोर ऑफ फायर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कम्युनिकेशन जोन में है। इस महीने में आपके पार्टनर के साथ आपका कॉन्टैक्ट भी होगा और वक्त आपको सपोर्ट भी करने वाला है, वक्त आपके फेवर में चलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है, और आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे वो आपसे बात करेंगे तो चीजें बहुत स्पीडन अप होनी शुरू हो जाएंगी। वो चीज आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन देगी, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके पार्टनर इतनी जल्दी में क्यों है, वो क्यों इतनी जल्दी जल्दी कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो क्यों इतनी जल्दी जल्दी मैरिज करना चाहते हैं। ये चीज आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी और आपको आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा कि वो बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गए हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ये चीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। सो अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में आपकी इंट्यूशन आपको जो कुछ भी गाइड करेगी, आपको अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना है, इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर इल्यूजन की एनर्जीज में खुद को ट्रैप करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, आप सही फैसला नहीं बना पाएंगे। तो इस महीने में आपके पार्टनर आपको एक फाइनल कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है, आप इमोशनली सैटिस्फाइड होंगे। अपने पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का कोई शक मत कीजिएगा, बहुत टाइम के बाद उनकी एनर्जीज अच्छी होने जा रही हैं, वो आप
से आपको एक कमिटमेंट मींस एंगेजमेंट के लिए कहेंगे, उसके बाद वो आपसे थोड़ा सा वक्त लेंगे। आपके पार्टनर अपने करियर को लेकर भी काफी बिजी हैं, लेकिन आपके मन में उन चीज को लेकर शक आएगा, कहीं वो आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। किसी भी तरीके से शक करने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर लिटरली आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, और वो सब कुछ इतना स्पीडन अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन को अब सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो किसी भी ऐसी एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते हैं जो एनर्जी आपको उनसे दूर करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन जोन में हैं। इस महीने वर्क चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर के नेचर में भी बदलाव आएगा। आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग साउंड करेंगे आपको, वो आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे। वो आपको ये बातें कहेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ही ज्यादा अपने जीवन को लेकर फंसी हैं, मतलब आप एक ही सिचुएशन में अटक जाते हैं। आपके पार्टनर इस महीने में एक डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, और वो डायरेक्शन किसी थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जा रही है, वो डायरेक्शन उनके करियर की तरफ जा रही है। आपके पार्टनर इस महीने में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको ये लगने वाला है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं, या आ चुके हैं, या उनके जीवन में कोई और है। ये चीज आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ कमिटेड हैं, वो आपको ही कमिटमेंट देंगे, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने करियर के ऊपर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो उन्हें ये वक्त दीजिए, अपने आप को इस इल्यूजन की एनर्जी से बचाइए। अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन आ रहा है, और वो पर्सन आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा तो ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, और आपको अथॉरिटेटिव हो सकता है, आपसे एक हायर पोस्ट पर ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है कि क्यों ये पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है, और आप क्यों इस पर्सन की ओर खींचे चले जा रहे हैं। ये पर्सन आपको आपकी वर्क प्लेस पर ही मिलेगा, या फिर आपके किसी वर्कमेट के थ्रू आपको ये पर्सन मिलने वाला है। धीरे धीरे आप इस पर्सन के रिगार्ड में जो भी अपनी परसेप्शन स्टार्टिंग में बनाएंगे वो चेंज होती जाएगी। आपको ये पता लगेगा कि आपने इस पर्सन को दूर से देखकर एक गलत परसेप्शन बनाई है, और आप महीने के एंड तक इस पर्सन को कमिटमेंट दे देंगे। इल्यूजन की एनर्जीज आपको रहेंगी इस पर्सन को लेकर, क्योंकि आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे इस पर्सन की पर्सनालिटी को लेकर, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में गॉड गिफ्ट है। ये पर्सन आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा, और ये इस पर्सन के जॉडिक साइंस हो सकते हैं एरियस, लियो, सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। ये इन जॉडिक साइंस में से एक पर्सन होगा, और ये पर्सन आपके लाइफ में जो आपका सोचने का नजरिया है हर एक चीज को लेकर, उसे चेंज करने वाला है। सो आई होप कैंसर पीपल, आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, देखते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। आइए देखते हैं। तो यहां पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो पहला कार्ड एट ऑफ वाटर का कार्ड है, टू ऑफ एयर का कार्ड है, क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, एंड फाइव ऑफ एयर का कार्ड है, द लास्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है। इस महीने की स्टार्टिंग के अंदर करियर को लेकर आप बहुत सैटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, आपकी लाइफ में हर एक चीज कंप्लीट होने वाली है, करियर को लेकर आपको कोई भी चिंता नहीं होगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आप अपनी एक डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, और ये डायरेक्शन प्रोबेबली 9th of October के आसपास चेंज होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक खड्डा है, वो आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है,
आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करते हुए एक ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे और आपकी लाइफ के अंदर एक कंफ्यूजन की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। आपको इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आपका कोई ऐसा पर्सन लेकर जाएगा जिस पर्सन के ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप उस पर्सन के ऊपर अंधा विश्वास करके आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ को बढ़ेंगे और अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। इस तरह की एनर्जी यहां पर नजर आ रही है। एक्चुअली आप ऐसा इस वजह से करने वाले हैं, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से आप खुश नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ और डिजर्व करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि जो आपको मिल रहा है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में और चीजों की तलाश करने के लिए जो चीजें आपके पास हैं उन्हें आप करियर की टर्म्स में खोने वाले हैं। हो सकता है आप जॉब चेंज कर लें क्योंकि आपका कोई फ्रेंड आपको ये बात कहे कि आप कहीं और जॉब कीजिए, वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाए, आप उस तरफ को चल जाए और वहां पर इनकम सोर्स बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। आपको सफोकेशन महसूस होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने पोर्ट्रे किया है ताकि आप इस बात को समझ पाए कि किस तरह का डाउनफॉल आ सकता है। आपका ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना आपके अंदर एक रिग्रेट की एनर्जीज को लेकर आएगा। आप बहुत ज्यादा पछताएंगे कि आपने क्यों ये चीज की। अपने बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई और लाइन ऑप्ट कर ले और वो लाइन आपके लिए नहीं थी, आपने वो लाइन ऑप्ट कर ली, आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने मेरी पीठ के ऊपर छुरा भोंक लिया है, इस बात का आपको एहसास होगा। इस महीने में आपको बहुत कंप्लीटली ये चीज फील होगी कि आपके सभी ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। ठीक है, आप अपने करियर में बहुत बूस्ट लेंगे, दूर से यही नजर आ रहा होगा। आप बहुत इंस्पायर्ड होकर अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ को मूव करेंगे, फेथ के साथ आप मूव करेंगे, लेकिन आप अंधा विश्वास कर लेंगे। इसलिए इस महीने कोई पर्सन आपको आपके करियर के अंदर आपको फाइनेंसेस की टर्म्स में बैकस्टैप करने वाला है। इन एनर्जीज से बचना है, इन एनर्जीज को गो थ्रू नहीं करना है। अगर आपको कोई चीज पहले से पता लगती है तो उस बात का ध्यान रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में एनर्जी क्लियर हो गई होगी। जो लोग अभी तक जॉबलेस हैं, इस महीने में किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ को मत जाइएगा, और स्पेशली ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको कोई पहले अमाउंट डिपॉजिट करना हो, वहां पर आप फंस जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, लेट्स सी। कैंसर पीपल, इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। कैंसर पीपल, इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा बिजी होने की वजह से आप अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, उससे आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए आपको योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। आपकी अगर कोई बहुत लंबी बीमारी चल रही है उससे आप इस महीने में रिकवर कर पाएंगे, लेकिन उस चीज के लिए आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेकर आगे बढ़ सकते हैं, उससे परेशानियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, हेल्थ को लेकर कोई चॉइसेस नहीं रखनी है आपको लाइफ के अंदर, बल्कि हेल्थ को लेकर आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है। मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप इग्नोर अगर करते हैं तो वो आपको बेड पर ले आएंगे। ठीक है, मेजर चीजें नहीं होंगी, बल्कि आपका जो आप लगातार लगातार काम करते जा रहे हैं तो कुछ ऐसे हेडेक्स रहना, माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी कैंसर पीपल। अब हम देखते हैं कि इस मंथ में क्या आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में, लेट्स सी दैट। क्या आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मंथ में, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बनाएंगे इस मंथ में, आइए देखते हैं। ओके, यहां पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, दो कार्ड निकल कर आए हैं, 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, वाइस काउंसलर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है।
ओके काफी कंफ्यूज्ड आप रहने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, बट आप जिस भी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, उसमें जो भी एक्सपर्ट है उससे आप सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए. वो पर्सन आपको बताएगा कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है. ये कोई प्रोफेशनल हेल्प है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, ये नहीं है कि फ्रेंड से पूछकर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देना है. इस मंथ की इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फायदा देगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है. आपको हर एक चीज के बारे में समझने की जरूरत है. अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किस तरह के एडवांटेजेस हैं उसमें और क्या आपको नुकसान हो सकता है, दोनों साइड्स को देखते हुए आप इस टर्म इस बार अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा. ये इस मंथ में लगाया हुआ पैसा आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, ठीक है. अगर अपनी मर्जी से लगा देंगे तो रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी, आपको अलग अलग थॉट्स आते जाएंगे, आप ये महसूस करते जाएंगे कि आज भी फेलियर अचीव होगा आपको, कल भी फेलियर अचीव होगा. तो इसलिए आपको खुद से अपनी मर्जी से पैसे कहीं पर भी नहीं लगाने हैं, ठीक है. एडवाइस लीजिए, उसके बाद ये चीज कीजिए. एंड सेम फॉर द लैंड. लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले किसी फेथफुल पर्सन से सलाह लीजिए. प्रॉपर्टी डीलर नहीं कह रही हूं मैं यहां पर, उनसे बड़ा तो कोई झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है. तो यहां पर आप किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लीजिए जिस पर आपको फेथ हो, जिसको क्लैरिटी हो चीजों को लेकर, जो पर्सन आपको बैकस्टैप नहीं कर सकता, जिस पर्सन के साथ आपका इतने लंबे टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है. उस पर्सन के साथ जाकर अगर आप लैंड को देखेंगे या फिर घर लेना चाहते हैं या फ्लैट लेना चाहते हैं, ऐसे किसी पर्सन के साथ जाइए जो बहुत प्रैक्टिकल हो अप्रोच में. थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगेगी, लेकिन वो चीज आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगी. आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शॉप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है. बट थोड़ी सी मेहनत करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है. सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी. अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है. आइए देखते हैं जो लोग कॉम्पिटिटर्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी. आइए देखते हैं. तो यहां पर एस ऑफ फायर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है, नाइन ऑफ फायर का कार्ड है, पेज ऑफ एयर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है. इस महीने में आपको आपकी पढ़ाई का जो अप्रोच है ना, जो तरीका है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है, ठीक है. अगर आपके पास मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के ऑप्शन हैं तो आप वो एग्जाम परस्यू कीजिए जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रही है. ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम में आप बैठेंगे, ऐसा मत कीजिएगा. और जो आप मेहनत करने जा रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, उसको प्रोटेक्ट करना है आपको, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करना है. आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को भी बोलिए, आपके पेरेंट्स किसी के साथ ये चीज शेयर ना करें कि आप किस फील्ड में अपीयर होने जा रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. आप बहुत इमोशनल रहेंगे अपने ड्रीम्स को लेकर इस महीने में, और हो सकता है जो आपका पढ़ने का तरीका हो, आपकी पढ़ाई की अप्रोच हो, वो आपके पेरेंट्स को या आपके जो गार्जियंस हैं उनको समझ ना आए. तो किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. एनालिटिकल मेथड से आप पढ़ाई कीजिए, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कीजिए, आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे. और जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे. लेकिन प्रमोशन का जो आपको मतलब लेटर आना चाहिए या एग्जाम की जो क्लैरिफिकेशन है कि हाँ आप प्रमोट हो गए हैं, वो आपको इस महीने में नहीं मिलेगी, वो नेक्स्ट मंथ तक जाएगा, ठीक है. दूसरी चीज और है, जो लोग ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लगेगी, ठीक है, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे इस मंथ में.
सो आई होप आपको आपकी पढ़ाई की एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी कैंसर पीपल। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या मोड ऑफ एक्शन बताना चाहते हैं, इस मंथ का आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कैंसर पीपल, जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी अ मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएं कैंसर पीपल। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज धर्म अनफोल्डिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, इस पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मूल मंत्रों का आपको जाप करना है। इस महीने में गणेश जी आपकी मदद करेंगे, आपके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव करेंगे, और ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कीजिए। एक माला, तीन माला, पांच माला, सात माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा, रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा, और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है, उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। होप का कार्ड है, इस महीने में आपको सकारात्मक रहना है, आपको होपफुल रहना है, अपने डिवाइन वर्थ को समझना है, अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपको यूनिवर्स से मिलेगी, और थर्सडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस में जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहां पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, इस महीने में आपका पाथ आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन ये सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता हमेशा टफ होता है। अपने लिए खुशियों का चुनाव कीजिएगा, आप एक सीक्रेट पाथ पर हैं, इस पाथ पर आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यहां पर सीक्रेट विजन का कार्ड है, इस महीने में आपको उन लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने जाने अनजाने आपको हर्ट किया है, ठीक है, और आपको अगर किसी ने इंटेंशनली भी हर्ट किया उस पर्सन को भी माफ कर दीजिए। इस वजह से माफ मत कीजिए क्योंकि आप माफ करना चाहते हैं, बिकॉज ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। मेरे लिए कहना जितना आसान है आपके लिए करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन माफ इस वजह से करना ताकि आप खुद को हील कर पाए। अपने अंदर रिवेंजफुल थॉट्स रखेंगे तो किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। प्यार की कोई सीमा नहीं होती है, प्यार आपको हर इंसान से करना चाहिए। मुझे पता है जो लोग हर्ट करते हैं उनके लिए हमारे अंदर लविंग थॉट्स नहीं आ सकते हैं, बट एटलीस्ट उन्हें माफ कर दीजिए। यहां पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, इस महीने में आपको माँ से प्रोटेक्शन मिलती हुई नजर आ रही है, बट आपकी इस महीने में कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगी। सो अगर कुछ पेन आप सफर करते हैं तो उससे घबराइएगा मत, माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड मूव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए खुद को, खुद को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहां पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, आपको आपके लाइफ के इस ड्रामा से आगे बढ़ना है, अपने लिए सही एनर्जी का चुनाव करना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। इस मंथ में बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनसे आप बाहर निकल आएंगे। सो आई होप कैंसर पीपल, आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। वेडनेसडे और थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस पे मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो आइए अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस अक्टूबर के मंथ के लिए। आइए देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए इस मंथ में। आइए देखते हैं डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है एंड डेजर्ट पैसेज का कार्ड है. डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर चलते हुए आपको ये लग रहा है कि पता नहीं आप सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं, पता नहीं डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे भी कि नहीं. आप यकीन मानिए जिस रास्ते पर आप अग्रसर हैं उस पर डिवाइन ही आपको आगे लेकर जा रहे हैं और ये डिवाइन का प्लान है और डिवाइन का प्लान डेफिनेटली आपके प्लान से तो बेटर होने वाला है. इसलिए घबराना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाइए. टेकिंग शेल्टर का कार्ड है. डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको अपने अंदर से मिलेंगे. सो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, बाहर आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है. ओके, यहां पर डिस्टेंट थंडर का कार्ड है. डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बिना किसी रीजन से डर रहे हैं. आपकी लाइफ के अंदर कोई भी काले बादल नहीं छाए हुए हैं. अपने इल्यूजन की एनर्जीज को क्लियर कीजिए. आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होगा आपकी बेहतरी के लिए ही होगा. यहाँ पर ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है. आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस महीने में आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और इट इज एट हैंड. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज में, ठीक है. और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये वो वक्त है जब आपको खुद को हील करना है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है, अपने तरीकों को बदलना है और अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है. इस वक्त आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं. आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, अपने लाइफ का एक साइकिल क्रॉस कर रहे हैं. सो ये जो चीजें हैं वो आपको करनी चाहिए. ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए कि जो भी उन्होंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया है, जो भी आपके लिए चीजें निकल कर आई है, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे. जो भी सपने आपने देखे हैं वो सपने बहुत जल्दी साकार होंगे. सो आई होप कैंसर पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके. सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो. उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे. उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.